भैया हमारे गांव में एक जगह मारपीट हो रहा है, वो हमारे गांव वाले देखे। बस यही तो गुनाह हो गया कि कहीं पर लड़ाई झड़ाई चल रही थी और भाई साहब गांव वाले देखने चले गए। अब एसओ साहब ने रजिस्टर उठाया और मुकदमा लिख दिया कि जाओ बड़ा लड़ाई झड़ाई देखते हो। फिलहाल आपको बता दें कि जैसे ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास इतने सारे लोगों को हाथ उठाए हमने देखा तो वाकई में आश्चर्यचकित हो गए थे कि कहीं स्टैचू तो नहीं बन गए हैं। फिर मामला पूछा हमने कि बताओ समस्या क्या है, काहे के लिए आए हो, तो सुनाते हैं कि साहब पुलिस अधीक्षक महोदय से गुहार लगाते हैं कि कोठी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब बताइए भाई साहब ऐसा मामला सुनने के बाद किसके होश नहीं उड़ जाएंगे, ना अपराधी ना ही गुंडा, सीधे बताइए पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग पुलिस अधीक्षक महोदय से की जा रही है। मामला सुनिए कि प्रार्थी किस तरह से अपनी समस्या बता रहा है, गुहार लगा रहा है, एसपी साहब के आगे फरियाद लगा रहा है कि साहब कार्रवाई कीजिए, न्याय दीजिए। भैया हमारे गांव में एक जगह मारपीट हो रहा है, हमारे गांव वाले देखे सिर्फ गे रहे, कोठी पुलिस आई हमारे गांव वाले इनके बताओ मारे पीटे लाग उमा, हम अपन जिनका कोई लेना देना नहीं रहा है, लेकिन हमारे पंजन नाम मुकदमा दर्ज कर दी है, कोठी पुलिस जो है वो हमारे पंजन का नाम मुकदमा दर्ज कर दी है, हम अपन जिनका उमा कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हम पंचे खड़े देख ही रहे, मान लियो जैसे मारपीट हो रहा है गाँव के लोग देखे तो अब करिए भैया जी भैया यही ये जो राठौर है हमारे कोठी थाने के एसओ, ये सब लोगों को दौड़ा धमका रहे थे, मार रहे थे, छोटे छोटे बच्चे उनको भी मार रहे थे, बताओ भैया हम क्या कर रहे हैं, हमारे नाम मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है, जितने लोग हम गांव से कम 20 लोग आए हुए हैं यहाँ पे, हमारे नाम जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसका हमको इंसाफ चाहिए भैया जी। कहाँ आए हैं? यहाँ हम आए हैं एसपी ऑफिस आए हैं भैया जी, सब लोग आए हैं, 20 लोग हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सारे लोग हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमको इंसाफ चाहिए भैया। तो प्रार्थी की समस्या आपने सुनी, भाई साहब इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल अब यही देखना है कि इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय क्या कार्रवाई करते हैं। पर बकायदा स्टैचू बने बाराबंकी जनपद पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के पास इतने सारे लोगों को देखने के बाद हम भयभीत हो गए थे। फिलहाल बाराबंकी जनपद में उत्तर प्रदेश के लिए एबीएन 4 की बैरल पाउट।